اور تم مظاہر چکان تے تم کو امدا تے چھو شریف یم بستی ہن دی ملاب کو ملوا شپین پٹ تا لگا کمائی اور سانس دلی شگرس من سے جائے اور تے تم سارا کرن سر جیت سا لیڈر مر بھون یتھی کہ تو مقصد خاطر تات چھو تے مبارک کران اور شکریہ ادا کران राज राज कहीं ना आ रहे हैं क्या आवाज का आवाज का उस पर साहब आ गए यूटी आज बनी उस स्टेट आज बनी उस यूटी है स्टेट यहाँ के नौजवानों में जहनी जो करो शक फोड़ कर क्या दिया अन्य अंजीर के प्रोग्राम आपने देखा होगा कि टीवी पे देखते हैं जुल्म क्या मुसलमान से मुल्क सहने के लिए कि भाई अंग्रेज याद सही हो रियासत मौजूद छो ये तो कौशल बुस पे पार्टी प्रेसिडेंट से तरफ मैं और की जो रैली थी ये अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस के इन्होंने ये इनिशिएट लिया है और मैं पार्टी की तरफ से और इनका यहाँ शुक्रिया भी अदा किया इनको कि इन्होंने ये फैसला किया कि हमारे जो कैंडिडेट है इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट हैं उनको हर जगह सपोर्ट करेंगे और साथ साथ लद्दाख के कैंडिडेट के लिए भी उन्होंने कहा यह है कि इस वक्त जो लहर है लोग समझ रहे हैं कि हमें क्या करना है लोगों में ये हो गया कि अगर इस वक्त जो हमारे कैंडिडेट हैं हमारे नार से उमर साहब और मियाँ साहब और आगा रोला साहब इनको ये लोगों को पता है कि जो यहाँ की असली तर्जुमान जो तंजीम है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ये यहाँ के लोगों के हकूक की रखवाली की है उनके हकूक की आवाज़ उठाई है और अब ये अच्छा हो गया कि जितने भी लाइक माइंडेड पार्टीज हैं हमारे साथ चाहे कम्युनिस्ट पार्टी है चाहे आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है चाहे और कांग्रेस है ये भी हमारे साथ आवाज़ यहाँ मिला रहा है और मेरे यकीन से कह रहा हूँ कि हमारे तीनों कैंडिडेट और जम्मू में भी ये अच्छे वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं और लद्दाख से भी ये जीतेंगे हम क्योंकि जो फैसले लिए गए देखिए ये जो वन साइडेड फैसला लिया गया ये हमने कभी नहीं देखा कि यह रियासती असम्बली रियासत के लोगों के बगैर ही कोई पार्लियामेंट फैसला ले ये तो यहाँ के रेजोल्यूशन होना चाहिए यहाँ की असेंबली से पास होना चाहिए हमें यूटी बनाए या 370 कम खत्म कर दीजिए ये तो है ही नहीं किसी मौजब दुनिया में यह नहीं होगा कि हम फैसला करेंगे दिल्ली में और कश्मीर पे थोपेंगे और कश्मीरी वापस थोपेंगे ये आप याद रखें कि ये जो फैसला लिया गया तो गलत है और ये आने आने वक्त वक्त में ये तहरीक और मजबूत हो जाएगी और एक वक्त आएगा कि इनको नए सिरे से हमारे साथ बात करनी होगी।